नाम इशिता भाटिया है और आज मैं आपको क्लास 11 के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक करके दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आगे पढ़ाऊँगी। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देखिए। तब तो हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई। अब हम पहले लेंगे इसमें एलएचएस। एलएचएस क्या है? कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन रहा है ये और ये फोर एंगल्स इक्वल है। ये एक्स वाला पार्ट एक्स से, वाई वाला वाई से, तो हम इसको नेम दे सकते हैं ए बी ए बी ए बी। तो क्या बनेगा हमारा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? ये होती है आइडेंटिटी कॉस ए प्लस बी की। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हमारी ये वाली फॉर्म बन रही है। तो हम सिर्फ इसमें फॉर्मूला ओपन कर देंगे, फॉर्मूले को एक्सपैंड कर देंगे। कैसे करेंगे? ये वाली फॉर्म बन रही है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो इसके इक्वल है। तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा? इसका इक्वल होगा कॉस ए। कॉस ए, ए की वैल्यू क्या है? पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस बी। बी की वैल्यू क्या है? पाई बाय 4 माइनस वाई। तो ये होगा कॉस 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस वाई। क्या हो जाएगा ये? 2। ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस, मैंने कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए तो ये एक अलग सा एंगल बन चुका है। ये हम इसको नेम देते थे इस एंगल को सी। इस एंगल को एक्स प्लस वाई को हम नेम देते थे सी। और हमने टेंथ में पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और यहाँ पे पाई बाय 2 की वैल्यू क्या है? 90। पाई बाय 2 क्या होता है? 90। 180 बाय 2 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे बन गया कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ये हो जाएगा साइन साइन थीटा, मतलब थीटा हमारा पूरा वाला है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव। ये था हमारा सिक्स क्वेश्चन। अब हम जाते हैं सेवन क्वेश्चन पे। सेवन क्वेश्चन है टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स। हमें इसको प्रूफ करना है वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। पाई बाय 4 क्या होता है? पाई बाय 4, पाई बाय 4 होता है 180 बाय 4, मतलब 45 डिग्री। टेन 45 क्या होता है? टेन 45 होता है 1 डिग्री। तो टेन 45, जब भी टेन 45 प्लस थीटा कहीं भी ये दे रखा होता है तो हम एक फॉर्मूला, इसका एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन थीटा
अपॉन वन माइनस टैन थीटा। ये हमारा एक एडिशनल फॉर्मूला होता है, जब टैन टैन जो होता है उसके साथ 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा होता है। अब यहाँ पे प्लस थीटा है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस कर दो तो ये हो जाएगा टैन वन माइनस टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन थीटा। तो ये है हमारा एक फॉर्मूला। तो अगर हम देखें ऊपर ये बन रहा है टैन 45 प्लस थीटा मतलब प्लस एक्स, टैन 45 मतलब पाई बाय फोर माइनस एक्स मतलब माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे टैन पाई बाय इधर हम लगा देंगे टैन 45 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला, इधर हम लगा देंगे टैन 45 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला। अब हम लेंगे एल एच एस, एल एच एस में ये वाला पूरा पार्ट टैन पाई बाय फोर को मैं लिख रही हूँ 45 डिग्री प्लस एक्स अपॉन टैन 45 डिग्री माइनस एक्स। अब मैं इसका फॉर्मूला ओपन कर रही हूँ। इसका फॉर्मूला जब हम ओपन करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, आएगा वन ये वाला पार्ट वन प्लस टैन एक्स, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता था वन प्लस टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन थीटा। तो यहाँ वन 45 प्लस एक्स है तो ये क्या आएगा वन प्लस टैन एक्स अपॉन वन माइनस टैन एक्स होल अपॉन वन, अब यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा वन माइनस टैन एक्स अपॉन वन प्लस टैन एक्स। ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये नीचे वाला पार्ट ही डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका वन प्लस टैन एक्स अपॉन वन माइनस टैन एक्स। अब ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जब ये ऊपर शिफ्ट होगा, ये बनेगा वन प्लस टैन एक्स अपॉन वन माइनस टैन एक्स। आंसर वन प्लस टैन एक्स, वन प्लस टैन एक्स ऊपर वाला पार्ट का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस टैन एक्स नीचे वाला पार्ट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो यही आ रहा है आर एच एस हेंस प्रूफ्ड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एट बिल्कुल ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर एट बिल्कुल ऐसे ही है, आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर एट, ये वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमने अभी किया पाई बाय पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स। कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स साइन पाई पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे। कॉस पाई प्लस एक्स की वैल्यू कॉस पाई पे चेंज होगा, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि कॉस टैन और साइन उन पे ही चेंज होता है जहाँ पाई के नीचे, जहाँ पाई के अपॉन में टू आए, और जब कुछ ना दे रखो सिर्फ पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई दे रखो तो कॉस चेंज नहीं होता या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है। यहाँ पे कॉस है तो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस ऐसे ही रहेगा। कॉस कॉस पाई प्लस एक्स ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये पाई था, ये पाई बाय टू था और ये थ्री पाई बाय टू था। पाई प्लस पाई प्लस मतलब इस कोऑर्डिनेट में पाई प्लस मतलब पाई के आगे,
इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, यहाँ पे कॉस आ जाएगा माइनस एक्स, कॉस आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ऐसे कॉस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ऐसे पाई साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ भी साइन चेंज नहीं होगा, और पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इससे साइन एक्स, और माइनस का साइन नहीं आएगा, कॉस पाई बाय टू, पाई बाय टू पे कॉस चेंज हो जाएगा साइन एक्स, और पाई बाय टू प्लस, पाई बाय टू प्लस मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव टैन नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, मतलब कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पे साइन के साथ नेगेटिव साइन आएगा, हम इसको यहाँ लिख देंगे बाहर में, तो हम साइन से साइन कैंसिल, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या बनेगा, कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉस बाय साइन कॉट होता है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आर एच एस हेंस रूट, ये था एट्थ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए और आपको प्रैक्टिस करने में ज़्यादा मुश्किल ना आए। अगर आपको इसके बाद कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।